हेलो गाइस, बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी क्लास एट माइग्रेशन इन बर्ड्स यानी पक्षियों में प्रवास। पक्षियों में प्रवास कैसे होता है ये आपको कैसे पता चलेगा। अब देखिए आपको माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास। द सर्च ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन यानी कहने का मतलब पक्षी क्या करते हैं अपने भोजन की तलाश में प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान करते हैं या प्रवास के रूप में उस स्थान पर जाते हैं जहां पर उनके अनुसार उनको भोजन मिल जाता है और भोजन की तलाश में ही जाते हैं, प्रजनन के लिए ही जाते हैं। तो वहां पर जाते हैं उनको भोजन मिलता है, उनको प्रजनन करने के लिए वहां के एनवायरनमेंट उनको अनुकूलित कर देते हैं या उनके अनुसार वहां पर जाकर वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और अनुकूलित करके वहां से अपनी सारी क्रियाओं को करने के बाद पक्षी फिर वह अपने पुनः स्थान जहाँ रहते हैं वहां पर चले जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन करते हैं या पक्षियों में प्रवास करते हैं। इसकी परिभाषा है माइग्रेशन की, the migration in birds is a remarkable phenomenon of the animal kingdom. It has been found that individual organisms often move about in response to varied group of stimuli when such movements result in the temporary or permanent absence from one home range and the established residence in another home range, the resulting movement is called migration. तो इसको हम क्या कहते हैं, migration कहते हैं। अब migration तो हो गया, migration की परिभाषा हो गई, migration बता दिया गया, लेकिन types of migration अब देखिए इसमें types of migration यानी ये कितने types के होते हैं प्रवास के प्रकार। फर्स्ट टाइप का है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं अक्षांशी प्रवास। सेकंड टाइप का होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं देशांतरी प्रवास। और तीसरे टाइप का होता है आपका एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं ऊंचाई प्रवास। और चौथा होता है आपका आंशिक प्रवास, आंशिक प्रवास। और पांचवा होता है जिसको हम कहते हैं आंशिक प्रवास को इंग्लिश में कहा जाता है पार्शियल माइग्रेशन। पांचवा क्या होता है आपका इररेगुलर वाग रेट माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं इररेगुलर मींस होता है अनियमित, अनियमित या नियमित रूप से इसका प्रवास नहीं होता है इसलिए हम इसको इररेगुलर वाग रेट माइग्रेशन कहते हैं और ये अनियमित प्रवास करते हैं। इसके बाद जो है छठवां जो होता है आपका जो सिक्स लास्ट होता है इसमें सीजनल माइग्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं ऋतु प्रवास। और फर्स्ट का जो है एग्जांपल है वुडकॉक, अक्षांशी प्रवास में वुडकॉक इसका एग्जांपल है, देशांतरी प्रवास में पेंटागोनिया है और ऊंचाई प्रवास, ऊंचाई का मतलब पहाड़ियों से मैदानी क्षेत्रों में जो प्रवास करते हैं उसको हम कहते हैं ऊंचाई प्रवास यानी इसका है टाइपोलेबा एग्जांपल। और नियमित प्रवास, और नियमित प्रवास में आपका आ जाता है एग्जांपल बार्बलर, बार्बलर एक पक्षी होता है जो अनियमित रूप से ये क्या करते हैं प्रवास करते हैं। और सीजनल माइग्रेशन ऋतु प्रवास इसका एग्जांपल है सैंड पाइपर्स यानी ऋतु के अनुसार सीजनल प्रवास जो होता है यानी ऋतु के अनुसार जो प्रवास करते हैं यानी सीजन के अनुसार ये क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करते हैं या प्रवास करते हैं उसे हम कहते हैं सीजनल प्रवास। सीजनल प्रवास में होता है क्या, सीजन के अनुसार यानी मौसम के अनुसार ये अपने आप को एक स्थान से दूसरे
को प्रवासी के रूप में चले जाते हैं और वहां पे अपने भोजन का भी व्यवस्था कर लेते हैं, उसके साथ साथ प्रजनन क्रिया करते हैं और वहां से फूड करने के बाद वो उस ऋतु के अनुसार वहां से, जब वहां पे सर्दी पड़ती है तो गर्मी के मौसम के जो पक्षी होते हैं, यानी कहने का मतलब सर्दी के मौसम में वो अपने आप को वहां पे ढाल नहीं पाते हैं, गर्मी में नहीं ढाल पाते हैं, तो वो सर्दी में जहां पे ठंडी पड़ती है वो अपने आप को वहां पे चले जाते हैं, प्रवासी के रूप में चले जाते हैं और वहां 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितने दिन ठंडी पड़ती है उस 4 महीने ठंडी के मौसम में वहां अपने आप को अनुकूलित करते हैं, प्रजनन करते हैं और वहां पे रहते हैं 4 महीने तक। वहां से फिर जो है जब वहां का सीजन गर्मी का आ जाता है तो उसके बाद उनके वहां जब ठंडी का मौसम आता है तो वो अपने आप को वहां पे ढालने के लिए फिर वहां से प्रवासी के रूप में पुनः अपने स्थान पे चले आते हैं।